दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा बिहार के विभिन्न हिस्सों में लगातार जारी है और इस यात्रा के दौरान आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि योजना, उज्ज्वला गैस योजना सहित तमाम अनेक योजनाओं के पात्र अभ्यर्थी लाभ उठा रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पटना के भिखना पहाड़ी इलाके में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुँचा, जहाँ लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। लोगों का आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए स्टॉल लगाए गए हैं, जिस पर काफ़ी भीड़ देखी गई। नालंदा में बिहार शरीफ की कोरई पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा, जहां लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर आयुष्मान कार्ड के साथ ही राशन कार्ड बनाने के लिए स्टॉल लगाए गए। नवादा के हिसुआ प्रखंड की सोनसा पंचायत में विकसित भारत यात्रा रथ पहुँचा। यहाँ ग्रामीणों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में LED पर फिल्म दिखाकर जागरूक किया गया। यहाँ आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के अपने को साकार करेंगे। गया की शादीपुर पंचायत के दलित टोले में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। यहां लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। यहां पर प्रखंड विकास अधिकारी मृत्युंजय कुमार ने ग्रामीणों को संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी दी। यहां लोगों को 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई गई। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने करेंगे। औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा, जहां केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में आम लोगों को जानकारी दी गई। यहां पर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंकों द्वारा ऋण देने के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर देश को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई गई। शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है, वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ पाकर आम लोग भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। हमें जो आयुष्मान कार्ड मिला है, जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, उससे हम लोग को बहुत लाभ हुआ है। हमारे परिवार का भी उससे इलाज हो रहा है, हम लोग भी अपना इलाज करवा रहे हैं। आप लोगों को क्या कहेंगे? और लोगों से यही कहेंगे कि जितने लोग भी हैं, सब अपना अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं और भारत सरकार का जो आयुष्मान कार्ड योजना है उसका लाभ उठाएं। PM किसान का मैं लाभ ले रहा हूँ, सालाना 6,000 मिल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं PMBRCT में सिलाई सीखी हूँ। सिलाई से मैं अपना घर खर्चा भी चलाती हूँ, अपने बच्चों को भी खर्च चलाती हूँ। हमें इससे बहुत लाभ है। जन औषधि केंद्र से हमें फायदा मिला है, दवा लिए है, बीमार थे ठीक हुए गए हैं, इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक सपना था मेरा कि मैं कॉन्फिडेंट बनूँ, आत्मनिर्भर बनूँ। मैंने इसके तहत से लोन लिए, बैंक से ऋण लिए और मैंने अपना एक छोटा सा दुकान खोल लिया और उस दुकान के जरिए आज मैं बहुत लाभान्वित हूँ और अपने परिवार का जीविका भी चला रही हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और वहीं उत्तराखंड के चंपावत जिले की